एंकरिंग करते हैं हम लोग यहाँ बैठ के, रोज मिलते हैं। पता नहीं था आज फोन आएगा। ये रोहित आईसीयू में, सब जाते हैं आईसीयू में, हमारा दोस्त भी गया था। फिर खबर आई कि वो वेंटिलेटर पर है। मैं सुबह से बुलेटिन कर रही थी, डर लग रहा था, प्रेयर भी कर रही थी साथ साथ, पर आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ होगा। लास्ट सैटरडे जब मैं रोहित से मिली थी, रोहित ने मुझे कहा, मैंने उसको कहा सैनिटाइज करके जाना, बोला ये तो होना ही है सबको, जब उसको कोरोना हुआ ही कॉल मी, तू मेरे साथ थी, चेक करा ले। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी ठीक होके आ जाना। इज़र की 2 मई को तो आ जाऊँगा, अच्छा 29 को आ जाऊँगा, 30 को आ जाऊँगा, मुझे नहीं पता था उसकी खबर आएगी ऐसे। आप लोग दंगल देखते हैं, यही बैठ के वो दंगल करता था। मैं 2:30 बजे जाती थी, वो मेरा रिलीवर, रोहित तुम आ गए, अच्छा मैं मेकअप उतार लूँ, हाँ तू जा, अब मैं आ गया हूँ, हाँ मैं हूँ, तू जा। परिवार में सब साथ बैठते थे, बच्चों के बर्थडे साथ मनाते थे हम लोग। कभी नहीं सोचा था कोई खबर आया। I still believe हम इतने फोनों लेते हैं, मैं किसी को भी फोन करूं बोले नहीं वो ठीक है, वो आ जाएगा वापस। रोहित तुम्हारी फैमिली की नहीं, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस है, मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। You were so good to me, मेरे इतने प्यारे दोस्त तुम रोहित। चित्रा, चित्रा मैं क्या पूछूं तुमसे, क्या पूछूं चित्रा, अब तो कोई शब्द ही नहीं है पूछने के लिए। बहुत मुश्किल है इस वक्त कुछ भी बता पाना। तकरीबन 12 बजे के आसपास ये खबर सामने आती है और तब से हम लोग भगवान से ये प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हे भगवान ये गलत खबर साबित हो जाए। जिस अस्पताल में वो भर्ती थे मैंने तुरंत वहाँ पे फ़ोन किया उनके पीआरओ को, वो मेरे जानने वाले हैं। मैंने सोचा कि सर आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल है, रोहित वहाँ पे भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, अब तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, क्या है सच्चाई। फिर उनकी ओर से बताया गया कि कल रात तक उनकी तबीयत ठीक थी, 10:30-11 बजे तक उनकी वाइफ उनके साथ थी, रात के 4 बजे अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ती है और फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नज़र बनाए रखते हैं और फिर दिन के 11-12 बजे के बीच इस तरह की खबर सामने आती है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर नवजोत कुछ भी बता पाना, क्योंकि कोरोना के इस काल में इस तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या कहूँ। उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, हम सब ने देखा कि अपनी बेटियों को लेकर रोहित कितना ज़्यादा वजह से, हर पिता अपनी बेटी के साथ होता है, लेकिन उनकी वो तस्वीरें मैं जब देखती थी तब लगता था कि बहुत छोटी बच्चियाँ हैं उनकी, एक हंसता खेलता परिवार हमेशा। एक फोटोग्राफ आई थी जिसमें लिखा हुआ था मेरे बेस्ट डैडी और केक काटता हुआ पूरा परिवार दिखाई दे रहा है, उनकी 2 बच्चियाँ उनको प्यार करती हुई दिखाई दे रही है। वो बहुत छोटी हैं, वो APJ नोएडा में पढ़ती हैं, मेरे बच्चे के साथ में वो पढ़ती हैं। बहुत मुश्किल है उनके दर्द को बता पाना कि वो क्या सोच रही होंगी, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, उनको तो इतनी समझ भी नहीं है। जो छोटी बच्ची है उसको तो इतनी भी समझ नहीं होगी कि पापा के साथ क्या हो गया। और मैं ही अब जब से उनकी तबीयत बिगड़ी थी, रोज शाम के 5 बजे मैं दंगल करती थी लगातार, हम लोग सोशल मीडिया पर जब उन्होंने लिखा कि 1 हफ्ते हो गए हैं मुझे आइसोलेट हुए और मैं ठीक हो रहा हूँ अब धीरे धीरे, हम सब ने प्रार्थना की थी कि बहुत जल्द आप वापस आए और फिर से अपना कार्यक्रम शुरू करें, लेकिन जिंदगी का ये दंगल वो इस तरह से हार जाएंगे इसकी